हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो है कॉरपोरेट अकाउंटिंग के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की, जिसके आज आपको क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा और उसके आंसर भी दिखाऊंगा कि किस टाइप के आंसर आपको लिखने हैं पेपर में, न्यूमेरिकल किस तरीके का होता है और उसके आंसर किस तरीके से निकाले जाते हैं। बट देखो यार, एक बंदे की मतलब कि कमेंट आया था कि उसने कहा था कि यार भाई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराओ। देखो यार, मैं सॉल्व तो नहीं करा सकता क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, एक एक क्वेश्चन में सॉल्व नहीं करा सकता। हाँ, मैं आपको बस इंपॉर्टेंट बता सकता हूँ जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वो भी देख सकते हो क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो आज के बस इनमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और किस तरीके के इसके आंसर रहते हैं वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अगर आप पहली बार चैनल पर हैं तो यार इसको कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि अपडेट सॉल्व से रिलेटेड हर वीडियो आपको यहीं मिलेगी। और अभी आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने में बहुत टाइम है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो चैनल को। आने वाली जितने भी अपडेट होंगे मैं आपको एकदम टाइम टू टाइम दूंगा। तो देखो, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट दे रखा है जो कि आपका इक्विटी शेयर कैपिटल से रिलेट करता है क्वेश्चन। मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको ये इक्विटी शेयर कैपिटल जो आपका इश्यू करते हो, अलॉट करते हो, एप्लीकेशन जो भी है, मतलब कि फॉर फ्यूचर करते हो, ये सब के सब आपके एग्ज़ाम में आने वाला है क्वेश्चन, इसको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है ना। तो किस तरीके के क्वेश्चन आप देख सकते हैं, फिर इसके आप आंसर में जनरल एंट्री देख सकते हैं किस तरीके की जनरल एंट्री है। वैसी है नॉर्मल जैसे आप 12th क्लास में करते थे, आप देख सकते हो। और आप ये PDF मतलब कि आप चाहते हो डाउनलोड करना, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का, आप वहाँ पर ज्वाइन होकर DM कर सकते हो मुझे, तो मैं आपको ये PDF सेंड कर दूंगा। उसके लिए आपको हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना पड़ेगा। देखो, फिर फेफ का बी पार्ट है जिसमें थोड़ी सी थ्योरी टाइप लिखा हुआ है, तो आपको न्यूमेरिकल थ्योरी दोनों देखने को मिलेगी। फिर इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको डेटा दे रखा है, यहाँ पे भी आपको जर्नल एंट्री ही करनी है। और आपको एमलगेमेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, इसके भी आंसर आप देख सकते हो। देखो यार, मैं आपको बस क्वेश्चन बता रहा हूँ और आंसर बता रहा हूँ, आप खुद समझो, है ना। आपको आंसर देखने को मिल जाएंगे किस तरीके के आंसर है, तो आप खुद समझ पाओगे न्यूमेरिकल किस तरीके के हो रहा है, क्योंकि ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जिनने अभी तक कुछ ना पढ़ा हो। फिर क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं, इसमें सारा जितना भी आपको बैलेंस शीट वगैरह देखने को मिलेगी, ये प्रीवियस ईयर है तो कुछ चेंजेस आपके इस बार हुए हैं, तो कुछ चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे, कुछ टॉपिक देखने को मिलेंगे नए और कुछ नहीं, तो आप थोड़ा ध्यान से देख के चलना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। ये देखो, कैश फ्लो स्टेटमेंट तो भाई आपकी 15 नंबर की कहीं नहीं गई, कैश फ्लो स्टेटमेंट आपकी 15 नंबर की ही आएगी। यहाँ पे आपको डेटा दे रखा है, आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है, आपको प्रिपेयर करनी है कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। देखो यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट दे रखी है इन्होंने, आप इसको वीडियो को रोक रोक के भी देख सकते हो, स्किप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद जल्दी वीडियो चलाऊँ ताकि आपको समझ आए। तो देखो यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट थी और उसके थोड़े से अकाउंट बनाने थे अलग से, तो यही कुछ था। मैं आपको और भी दिखा देता हूँ, आप कहोगे कि एक ही दिखाया है बस। ये वाला क्वेश्चन पेपर देखो, ये 2019 का है, ये 75 नंबर के लिए क्वेश्चन है। तो यहाँ पे भी आपको देखो एक बैलेंस शीट दे रखी है, मतलब कि आपको डेटा दे रखा है जिसमें इक्विटी शेयर का, देखो इक्विटी शेयर का क्वेश्चन आपका आना ही आना है 15 नंबर का, तो उसको प्लीज़ भी चैप्टर को स्किप मत करना, ये 15 नंबर का आपको नंबर दे के जाएगा अगर आप उसको अच्छे से करके जाएंगे। देखो पहला क्वेश्चन आपका पहली यूनिट से आने वाला है, फिर आपको थोड़ी सी कंडीशन यहाँ पे थ्योरी दे दी है बायबैक शेयर की, जनरल एंट्री आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे, डिबेंजर से, रिडम्पशन से, फॉर फ्यूचर से, अलॉटमेंट से, सिक्योरिटी प्रीमियम, यही सब आपको देखने को इसमें मिलने वाला है। फिर आपका सेकंड यूनिट आ जाती है जिसमें आपको सारी डेटा दे रखा है, थोड़ा सा क्लियरिटी नहीं है, सॉरी सर उसके लिए। देखो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट बनानी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आप करके जाना, आपके इस बार सिलेबस में हैगा।
तो आपके लिए 10 नंबर का आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा। अगर उसके संग बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करने को दे दी तो ये आपका 15 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है। फिर आपको ऑप्शन में भी दे दिया, बैलेंस शीट दे दिया आपको। फिर आपको यहाँ पे मेथड लगाने हैं। देखो ये आपका चैप्टर है तो ये न्यूमेरिकल है, आप इसको अच्छे से करके जाएंगे, आपकी ये फोर्थ या थर्ड यूनिट है जो आपकी आ सकती है। फिर आगे देख लेते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो आपको बैलेंस शीट दे रखी है, इसमें क्या करना है वो देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, आपको यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, प्रेफरेंस शेयर अकाउंट बनाना है और इक्विटी शेयर अकाउंट बनाना है। यानी सारा आपका न्यूमेरिकल रहने वाला है। थ्योरी आपकी 10-15 नंबर की होगी, ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी नहीं आएगी, न्यूमेरिकल पे ज़्यादा अपना फोकस करना। इसका आप आंसर देख सकते हैं। फिर उसके बाद पास जर्नल एंट्री प्रिपेयर रिकंस्ट्रक्शन। देखो आपके यूनिट में रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट है, आपके चैप्टर में आपके सिलेबस में रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट है, तो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट भी 10 नंबर या 15 नंबर में आएगा। तो आप उसको देखिए किस तरीके से यहाँ पे हो रहा है। रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में आपकी नॉर्मली जर्नल एंट्री रहने वाली है। फिर उसके बाद जर्नल एंट्री के मैं आपको बैलेंस शीट या रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बनाने को दे सकता है। जैसे यहाँ पे देखो उसने जर्नल एंट्री दिखाई आंसर में और उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट भी दिखाया है, तो आप इसको कर सकते हो। फिर एक और बैलेंस शीट आपको यहाँ पे दे दिए, ये नॉर्मली आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट है। यहाँ पे कह रहा है कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं है, नोट टू अकाउंट दे रखा है आपको। थोड़ी सी ये यहाँ पे प्रिपेयर करनी है आपको, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट आपको प्रिपेयर करनी है। आई होप आपके सिलेबस में होगी, आप देख सकते हो उसको। ये रीफ के आंसर में बैलेंस शीट किस तरीके से बनती है, थोड़ा सा कह सकते हो टफ है बैलेंस शीट, तो आपको समझनी पड़ेगी इसको अच्छे से। फिर एक और बैलेंस शीट आ गई जिसमें आप देख सकते हो थोड़ा सा न्यूमेरिकल है और थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे थ्योरी बेस्ड भी क्वेश्चन दे रखे हैं। फिर एक और क्वेश्चन दे रखा है और इसमें आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है ऑपरेटिंग एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के थ्रू। फिर आपको थोड़ा सा यहाँ पे थ्योरी क्वेश्चन भी देखने को मिला है 5 नंबर के लिए, यानी 15-15 नंबर के आपके क्वेश्चन रहेंगे। अगर थ्योरी बेस्ड कोई क्वेश्चन हुआ तो वो बस 5 नंबर का ही होगा हर क्वेश्चन में। अगर आपको थ्योरी बेस्ड देखने को मिला तो 5 नंबर का थ्योरी बेस्ड होगा, उससे ज़्यादा नहीं। तो 10 नंबर का आपका न्यूमेरिकल है तो आप न्यूमेरिकल पर ज़्यादा ध्यान देंगे। देखो यहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रखी है, फिर उसके बाद उसकी थ्योरी भी बता रखी है। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चन थे, आई होप आपको पता चले होंगे किस तरीके से क्वेश्चन रहने वाले हैं और उनके आंसर किस तरीके से आपको करने हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना अपडेट्स ऑल को, क्योंकि अभी आपकी ग्रेजुएशन